तो मम्मा के लग गई है बहुत बहुत ज्यादा चोट। इतनी ज्यादा नहीं लगी है, पांव पट्टी बांध बहुत बहुत ज्यादा चोट है क्योंकि चल ही नहीं पा रही बेचारी। गाइस मैं ना कलर करवा के पहले आप ये दिखाओ जो पूछ के एक्सरसाइज करा रही। पूछी एक्सरसाइज कर रही है गाइस, देखो ओह ओह एक्सरसाइज पूछी की एक्सरसाइज। अभी तो सही थी, जैसे कैमरा के आगे ही काटने लग गई। अच्छा बताओ गाइस को, मैं कलर करवा के आ रही थी तो हमारे बाहर है ना सारी की सारी सड़क खुदी हुई है, तो मेरे को पता था खुदी हुई है, फिर भी अब जगह ही नहीं है निकलने की, तो रखना इसको, जगह नहीं है निकलने की तो क्या करेंगे। आखिर वहां मेरा पैर मुड़ गया, मैं वहां गिर गई। जब मैं वहां पर गिरी तो मम्मी फोन करी जा रही पापा को। हाँ मैं फोन कर रही, इनकी कॉलिंग जा रहा, रिंगिंग नहीं जा रही थी। मैं चीरन को फोन किया, मैंने कहा कि पापा को बोल, फिर मैंने कहा पापा को दे दे, फिर इनको मैंने बोला कि मैं गिर गई हूँ वहां से, मुझसे आया नहीं जा रहा, तो अब तो ठीक है फिलहाल। फिर पापा क्या, फिर मैं वहां से गिर गई, मुझे लेने के लिए आए हैं, तो मैं वहां से सीधा स्कूटी में बैठ के घर आई क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो आके इन्होंने मूव लगा दी है और पट्टी बांध दी है, और अभी बस थोड़ी देर बाद इसको उतारूंगी क्योंकि चीना के साथ मुझे जाना है ये, इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। किसको बोला? पूछी को। तो गाइस काम तो करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लंगड़ी टांग से और काम तो करने ही, ये उतार के फिर जाऊंगी। ठीक है। कन्नू चीना का जो कमरा है उसकी जो एसी है उसकी गैस खत्म हो गई है, तो कन्नू तो सो रहा है, उसकी गैस डालने के लिए आए हैं। ये जो इनडोर है ये अपने घर लेके चले गए थे, तो यहाँ पर इसको मतलब कि जो भी करना होगा कहते धोने के लिए मैं घर ही ले जाता हूँ, तो अभी आके इसको लगाया है। और ये इनका सामान पड़ा है और बाहर का आउटडोर आउटडोर की सारी सफाई हो रही है, पानी से धुलेगा। ये भी गर्मी आने वाली है, ये भी खर्च बढ़ ही जाता है। चीना साथ में साईं बाबा जी बैठे, ओम नमः ओम साईं राम जी। देखो गाइस चीना कभी भी कान में टॉप्स नहीं पहनती, कभी भी कान में टॉप्स नहीं पहनती, हमेशा किसी फंक्शन में पहनती है। बस उस फंक्शन में जाती जरूर है, 10 मिनट पहनने के बाद उसके बाद हमारे को दे देती है कि पकड़ो भाई, और सब अपनी अपनी जेब में लेके घूम रहे होते हैं, कभी ईशू के पास, कभी इसके पापा के पास, कभी कन्नू के पास, ये अपना फेंक देती है, उठा के सब कुछ लेती जरूर है। और आज इसने टॉप्स पहने हैं, अब आप बताना मुझे कमेंट करके, ये ये चीना कितने दिन पहनेगी, ये टेम्परेरी बड़ा है, मैं बड़ा छोटा हो कुछ भी हो इसने पहनने कुछ भी नहीं है। अब ये पहने हैं देखो, अब आजो, ये आजो, आजो। अब ये सब सभी उतर जाएंगे। कौन है पापा है? इसके टॉप्स दी, इसके टॉप्स दिखा रही थी, मैंने देखते हैं ये छोटे कितने दिन तक पहनेगी, ये छोटे बड़े ले आना, ठीक है बड़े ले आना। हाँ पीछे से सोने की डब्बी वाले, वो जो पेच होते हैं पेच, डब्बी मत लेके आना, डब्बी ये नहीं पहन पाएगी। चले मम्मा लेट हो। जब ये छोटी थी ना गाइस, इसने इयररिंग्स मैंने इसको दिए थे, इसने एक इयररिंग्स घुमा दिया था तो इसकी घूम गया था, एक था तो इसकी दादी ने नाक में डाला हुआ था, एंड टाइम तक भी दादी के नाक में था वो, हमेशा यही कहती थी कि ये चीना का है, चीना ने घुमा दिया था, एक एक मेरे काम आ गया, और एंड टाइम तक भी दादी ने ही वही पहना हुआ था नोज पिन। हाँ पूछिए कैसे डर के बैठी हो? ये डरी रहती है, इसको पता है ना ये इंजेक्शन, उसका फ्रेंड मम्मा वो यही रहता है, तो उन्होंने अभी स्प्रे लगाई है रेलिफ्लाम इचिंग और रेडनेस की है, अब इसको लगेगा थोड़ा सा इंजेक्शन, और आज इसका जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि पहले हम तो पूछी कैसे डर के मारे बैठी है, देखो इसको लग रहा है कि इंजेक्शन, कल भी आना है इंजेक्शन के लिए फिर? नहीं कल नहीं। अच्छा बस आज बाद में आना, बाकी कोई लोशन है, कोई लोशन है यार मेरी बॉडी में, ये तो आप मैं लगा दूंगी, एक इंजेक्शन लगेगा बस। ये पहले भी इसका हो गया था 5-6 महीने पहले, तब भी यहीं से ठीक हो गई थी। पूछी को लेके गए थे तो उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, साथ में ये वाली जो क्या है, क्या है? स्प्रे स्प्रे है, ये लगाया है सारा, उन्होंने बोला है कि आप भी घर में जाके इसको ये स्प्रे करो, और मैं ले आई हूँ, कभी भी देखो डॉगी को ईचिंग हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, कहते हैं स्प्रे करके उस पर कंघी कर दो, कंघी से क्या होगा सारा स्प्रे फैल जाएगा और पूरा का पूरा बॉडी में लग जाएगा। और चीना आते वक्त अपने डोसा लेके आई है, मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा भैया कहीं प्याज तो नहीं डालेगा, कहते नहीं आपकी मर्जी है, तो हमने तो आलू वाले ही लिए, और साथ में करारा बना दिया ज़्यादा, और साथ में ये लेके आई है लेमन आटा, इसकी की पेटी की पेटी लेके आई है, ये फ्रीजर में रखी थी मैंने, फ्रीजर से निकाली है। हाँ तो ये पेटी गैस, ये पेटी लेके आई है, और सेब लेके आई हूँ और केले लेके आई हूँ, क्योंकि आज कन्नू कह रहा था मम्मी केले हैं सेब नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से सेब खत्म हो रखे थे, तो सेब लाई हूँ साथ में,
केले लेके आई, केले वही 80, केले वही हम 80 रुपए दर्जन लेते हैं, इसे 100 रुपए दर्जन दिए, तिलक नगर में 100 रुपए दर्जन है, मतलब सब अपने अपने, हमारे यहाँ पर 80 है और तिलक नगर में जैसे जैसे बड़ी मार्केट में जाते हैं 120 हो जाएंगे। हाँ चलो, मैंने कहा 9 केले, उसके पास 9 ही केले बचे हुए थे, तो कहता 9 के 9 ही ले जाओ, मैं 3 क्या करूंगा, फिर मैंने 9 ही ले लिए। टेस्टी है इसका डोसा, है ये ठीक है, मतलब इसका ज्यादा अच्छा है। अच्छा कोको देख पापा आ गए, देख ले पापा आ गए, इसको छोड़ के गए ना केले, ये नाराज हो गई हमसे, नाराज हो गई है। हाँ गेट पे बैठी हुई है, पूछ लाई जा रही है, लाई जा रही है, पापा आ गए, जब तू पापा पास आज, पापा पास तू सोएगी, पूछी नहीं सोएगी, पूछी भी आ गए, इंजेक्शन लगवा के आई है अभी अभी ताजा ताजा। उसको पता चल गया ना कि मेरे पापा आ गए हैं। बस अभी अभी मैंने कपड़े धोए हैं, थोड़े से कपड़े बाकी अंदर भी है, क्योंकि चीना कह रही है मेरा ब्लैक कलर का जो कपड़े है उसपे बाल लग गए हैं थोड़े बहुत, तो आप मम्मी धो दो, फिर उसको अलग से ही धो दूंगी साथ में। रात के 9:30 बज चुके हैं, अभी अभी मुझे टीज एंड मोर की तरफ से पार्सल रिसीव हुआ है, उन्होंने बताया था मुझे फ़ोन करके कि मैं 2 नाइट सूट भेज रही हूँ, अब कैसे हैं मुझे नहीं पता, अभी खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। 2 नाइट सूट आए हैं, एक आया पीच कलर का और एक आया सी ग्रीन कलर का, दोनों बहुत अच्छे हैं, कलर बिल्कुल गर्मियों के मतलब के हैं, लाइट लाइट कलर, और ये वाले कॉलर वाले हैं जो मुझे कॉलर वाले बहुत पसंद है, तो फ़ोन आया था टीज एंड मोर वाली के, तो वो कह रहे थे कि एक्सल हैं, आप देख लेना कि आपको आएंगे नहीं आएंगे, मगर बिल्कुल बड़े आराम से आएंगे। हाँ ये बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, तो मैंने आज भी जो ब्लॉग डाला था उसमें इनकी आईडी जो है मेंशन की थी, और कल वाले ब्लॉग में भी मैं इनकी टीज एंड मोर की आईडी मेंशन कर दूंगी, आप भी इनसे मंगवा सकते हो, क्योंकि जो उस पिछली बार 4 नाइट सूट आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, उनका इतना अच्छा स्टफ़ है, फटाफट जैसे मर्जी धो लो फटाफट धुल जाते हैं, और ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ लग रहा है। एक चीना के लिए आया है और एक मेरे लिए आया है, अब चीना को जो कलर पसंद आएगा चीना वो पहन लेगी, मुझे लग रहा है चीना सी ग्रीन ही पसंद करेगी और मैं पीच पहन लूँगी, अब जो भी है देखते हैं दोनों में से, दोनों एक दूसरे का पहन लेंगे। वैसे गोलू के घर भी मैंने जाना है, तो मैंने इन्होंने कहा था कि आपने गोलू के घर भी जाना है, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे थे और भेज दूँगी मैं आपको नाइट सूट, आप गोलू के घर भी आराम से पहन लेना, तो बहुत अच्छा स्टफ़ है, आप भी ज़रूर मंगवाएं इनसे, बहुत मेरे को सूट भी भेजा है, सूट भी बड़ा प्यारा है, नाइट सूट भी बड़े प्यारे हैं, और जो चीना ने मंगवाए हैं कोट सेट, तो आपको अगर पसंद आए तो आप और भी मंगवा सकते हो, तो पूरे फुल वाले भी हैं, तो देखते हैं अगर चीना जो कलर कहेगी मैं वो मंगवा लूँगी, भाई ये नाइट सूट बहुत सुंदर है, बहुत कोको और पूछी ने बहुत ज़्यादा घर का काम किया है, ये थक गए हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और ये देखो इसका बिल्कुल अब इंजेक्शन लगवाया है, तो थोड़ा बहुत इसको इचिंग कम हो रही है, और इसके लिए दवाई लेके आए हैं जो मैं इसको अभी इसके पापा को बोलती हूँ कि लगाए, और कोको की कल कटिंग होगी, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे, क्या लग रही है जी ना, उजड़ा उजड़ा आंदोलन चमन उजड़ा हुआ चमन, कल इसकी कटिंग करवाने जाएंगे हम। ये देखो ललता दोपहर को क्या गिर कर आई है, पूरा का पूरा पांव सुजा दिया है, ये गई थी कलर लगवाने के लिए, कलर लगाते लगाते ही अपना पाँव काला कर बैठी है, क्या किया तूने, ये पाँव काला करने बैठी, पाँव सूज गया। अरे बता तो रही थी मैं आपको कि मैं वहाँ से आ रही थी कलर लगवा के, सारी सड़क खोद रखी है बाहर, और लोग मुझे बता रहे थे, कहते कितनी औरतें यहाँ पर गिर चुकी हैं ऐसे। अच्छा क्यों? हाँ क्योंकि वो अनबैलेंस है, पैर बंदा ऊपर रखे नीचे रखे समझ नहीं आता, बीच में सारा ट्रैफिक है, कोने कोने से निकलना होता है, कोने कोने से निकलो तो सारी इसका मतलब अगर लोग गिर रहे हैं तो स्कूटर स्कूटी वाले ये भी गिर रहे होंगे। हाँ, हो सकता है, बहुत ज्यादा सूज गए। हाँ, ये देखो सारी स्वेलिंग है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर नहीं सूजा क्योंकि पैर ऐसे हुआ था, बेंड हुआ है। कोई बात नहीं, मैं भी इसमें मूव लगाता हूँ। वो ये पड़ी है, ये क्या दिखा, दिखाना ये बोलने की स्प्रे, स्प्रे मैं लगाता हूँ, यही सबसे बेस्ट है, ये मैं लगाता हूँ अभी, स्प्रे लगा के पट्टी कर देता हूँ इसको, गर्म चलने की भी दिक्कत आ रही है। हाँ, उस टाइम तो पता चला मैं चीना के साथ पूछी को भी इंजेक्शन लगवाने जाना ही था, पूछी को पीछे पकड़ेगा कौन, और बड़ी मुश्किल से गई, अब ज्यादा दर्द हो रही है, मैं अभी इसको लगाता हूँ, लगाओ चलो। बस आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं टूटे हुए पैर के साथ, मैं कह रही हूँ उनको ये अपने आप स्प्रे लगा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी यही एंड कर देते हैं, अब इसमें दर्द उस टाइम जब लगी थी तो ताजी ताजी चोट थी पता नहीं चला, अब दर्द हो रही है तो कोई बात नहीं, अब लगी है तो दवाई वगैरह लगाएंगे, 2-4 दिन ठीक हो जाएगा, तो जब तक के लिए
बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।